देश के सबसे छोटे राज्य गोवा में बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय हो गया है। रुझानों में बीजेपी 40 में से 18 सीटों पर आगे चल रही है। गोवा में बहुमत का आंकड़ा 21 है। बीजेपी निर्दलीय प्रत्याशियों को पार्टी में शामिल करके आसानी से सरकार बनाने की स्थिति में है। कुछ सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर 500 वोटों का भी नहीं है। इससे इस बात का साफ संकेत मिलते हैं कि एंटी बीजेपी वोट विपक्षी पार्टियों के बीच बट गए, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। गोवा में ऐसा पहली बार होगा कि बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी। 2012 और 2017 में पार्टी ने मनोहर पारिकर के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। इस बार कहा जा रहा था कि पारिकर के बिना बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पार्टी ने 2017 से भी अच्छा प्रदर्शन किया। ममता ने एमजीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, वहीं केजरीवाल ने 40 में से 39 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इन दोनों दलों ने कांग्रेस के वोट में सेंधमारी की, फायदा बीजेपी को मिला। सीनियर जर्नलिस्ट किशोर नाइक गांवकर कहते हैं कि नतीजे देखकर साफ पता चल रहा है कि बीजेपी के खिलाफ जो वोट थे वो विपक्षी पार्टियों में बट गए। यदि विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर लड़ती तो शायद बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती थी। नतीजे देखकर पता चलता है कि बीजेपी में कांग्रेस से जो विधायक आए थे उससे पार्टी कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हुई। 2017 में कांग्रेस के 17 विधायक जीते थे और बीजेपी के 13 विधायक जीते थे। हालांकि छोटे दलों से गठजोड़ कर बीजेपी ने सरकार बना ली। धीरे धीरे कांग्रेस के जीते हुए विधायक बीजेपी में शामिल होते गए और चुनाव के पहले कांग्रेस के पास सिर्फ 2 विधायक रह गए थे, अधिकतर बीजेपी में शामिल हो गए थे। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।